तो आपको नुकसान से बचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं एग्रो बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के लिए एक नया टॉपिक, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं आपको, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, एक भाई ने कमेंट किया था मुझे कि इस चीज़ के बारे में बताइए, तो आज उसी पर बात करना चाहेंगे, उसको समझने की कोशिश करना चाहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंडिंग में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा होने वाला, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कि एक भाई ने कमेंट किया कि स्टॉल फिटिंग पर कितना प्रॉफिट होता है, इसको हमको अच्छे से समझाइए। तो आज इस पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और इस पर बात करना एक कन्फर्म बता देना, क्योंकि स्टॉल फीडिंग मेरे यहाँ नहीं है, तो एक मुझे अनुभव नहीं है स्टॉल फीडिंग का, तो इस पर बात करना बहुत बड़ा मुश्किल बात है। फिर भी मैंने आपके सामने कैलकुलेशन लेकर आया है कि कितना हो सकता है प्रॉफिट या नहीं हो सकता है, या कि पूरा का पूरा नुकसान होगा, या कितना नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, पूरा इस वीडियो में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखें, उसके बाद हमें कमेंट करिएगा, पहले मत दे दीजिएगा, पहले वीडियो पूरा अंत तक आप देख लीजिए। आइए सबसे पहले बकरी फार्म के अंदर में चलते हैं और वहीं पर बात करते हैं, स्टॉल फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। तो दोस्तों, स्टॉल फीडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉल फीडिंग होता है दोस्तों कि आपने फार्म बनाया, यानी कि बकरी का फार्म तो बनाना पड़ता है, आप कोई सा भी तरीके से करें, फार्म आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि रखने की जगह आपको बनानी पड़ेगी। तो स्टॉल फीडिंग में होता क्या है कि सिस्टम हो जाता है अलग अलग, जैसे कि मतलब स्टॉल फीडिंग में हो जाता है कि आपको खाना जहां पर आप बकरी फार्म बनाए हुए रखे हुए हैं वहां पर आपको खाने का इंतजाम करना है, यानी कि उसको बाहर चराई के लिए नहीं ले जाना है, स्पेशल आपको एक सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा, एक उसका खाने का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, कहां पर खाना देना है, खाने का बहुत सारा एंगल लोहा वगैरह का बनाता है, कोई प्लास्टिक में टप वगैरह में देते हैं, तो ये अलग अलग सबका प्रक्रिया है अपना पैसा बचाने की वजह से, क्योंकि सस्ता जो पड़ेगा आपको उस हिसाब से सुविधा से हिसाब से बनाना है। तो स्टॉल फीडिंग यह होता है कि आप जहां बकरी फार्म किए हुए हैं, जहां पर रखे हुए हैं, आप खिला भी वहीं पर रहे हैं, बाहर में कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, ये स्टॉल फीडिंग। ये स्टॉल फीडिंग सुटेबल किसके लिए, ये स्टॉल फीडिंग जिसके पास जगह कम है, यानी कि बाहर में चराई, हरा चारा मिलना मुश्किल हो जा रहा है, बाहर चराई का सिस्टम नहीं है, शहरों के लिए कह सकते हैं हम कि स्टॉल फीडिंग ज़्यादातर हो सकता है, और जिसके पास आदमी नहीं है, यानी कि चराने के लिए बाहर नहीं लेके जा सकता है, उसके लिए स्टॉल फीडिंग हो सकता है। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप बात करना पड़ेगा कि कौन सी बकरी आप रख रहे हैं। मैं जहां तक अपने वीडियो में बात करता हूं, ब्लैक बंगाल की बात करता हूं, क्योंकि मैं ब्लैक बंगाल से बकरी फार्म कर रहा हूं, इस वजह से मैं ब्लैक बंगाल पर बात करता हूं। तो आप तो ब्लैक बंगाल से स्टॉल फीडिंग करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं 90% सलाह 99% सलाह देता हूँ कि ब्लैक बंगाल से स्टॉल फीडिंग मत करिए। दूसरे बकरी से करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ब्लैक बंगाल के लिए मना करूँगा, क्योंकि ब्लैक बंगाल होता है ना, क्योंकि इसकी नस्ल ही है, यानी ये गरीबों की नस्ल है, आप कह सकते हैं इसको कि ये बकरी उन्हीं लोग गरीब के पास में रहती है जो अपना दिन भर चराते उड़ाते हैं, उसके बाद घर पे लाके जो धोवन बचता है, यानी लास्ट में खाने का जो बचता है वो लाकर खिलाते हैं और इससे पालते हैं, यानी कि एक रुपए भी खर्च इसके ऊपर लगाया नहीं जाता, ये इस तरीके से इसका नस्ल है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है देहात में। तो फिर भी आप, मैं बात करने वाला हूँ कि शेड बनाने में कितना कम ही मिनिमम लेकर चलिएगा पूरा खाने का सिस्टम वगैरह बना के, तो आपको लमसम 1,00,000 रुपए खर्च शेड बनाने के अंदर आ ही जाने वाला है, चाहे आप कोई सा भी बकरी फार्म करिए। और ब्लैक बंगाल में होता यह है कि कहीं पर आप देखते होंगे कि छोटा सा जगह फार्म बनाते हैं सिर्फ रात में रखने के लिए, बाकी वो दिन में बाहर ही रखते हैं, बगीचे में ले जाते हैं, चराई पे ले जाते हैं, लेकिन वो खुद मेहनत करते हैं, उतना मेहनत सबसे पॉसिबल नहीं है, और जितना मेहनत कर लेगा उसको फार्म ही बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सा जगह में ही कर लेता है। वैसे कई फार्म है, एक दो फार्म का वीडियो भी आपको दिखा होगा, मैंने एक मसरमा मेला करके मेहंदिया का वीडियो था उसमें दिखाया था, उसका एक छोटा सा घर था और उसमें उसने पूरा किया हुआ था और ज़्यादातर दिन भर बाहर ही रखता था, सिर्फ रात में अंदर करता था, गर्मी में भी रात में बाहर ही रहता था, ठंडी में रात में या बरसात में रात में बाहर अंदर रहता था। तो शेड के खर्चा की बात कर ले तो 1,00,000 रुपए तक शेड का खर्चा आपको आ जाएगा। बकरी पालन कौन सा करेंगे तो आप बर्बरी कर सकते हैं, राजस्थानी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा नस्ल ला के कर सकते हैं, ब्लैक बंगाल भी कर रहे हैं, आपका च्वाइस है तो ब्लैक बंगाल भी ला के कर रहे हैं। लेकिन शेड बनाने वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सबको अलग अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का अगर निजात चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि सिर्फ आप बकरियों पर ही ध्यान दें और बाकी चीज़ पर आपका ध्यान ना भटके, उसके लिए आपका शेड का निर्माण होना अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको दिख रहा होगा मेरे फार्म पर, इधर आ जाइए, आपको मेरे फार्म पर दिख रहा होगा दोस्तों
कि मेरा फार्म सही से नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं इस सलाह देता हूँ आपको कि फार्म सही से बनना बहुत जरूरी है। मेरा कुछ और रीजन है जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो आप सही ढंग से अगर नहीं बनाए सिस्टम, मेल को अलग नहीं रखे, फीमेल को अलग नहीं रखे, प्रेगनेंट को अलग नहीं रखे, यानी कि जो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे, उसको अगर अलग नहीं बनाए, सबका सेक्शन अगर अलग अलग नहीं बनाए, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली, जिस तरीके से मुझे दिक्कत होती है। तो ये बात हो गया कि शेड के बारे में। बकरी की नस्ल आप चुनाव कर लीजिए, कौन से भी करें, अगर बर्बरी करते हैं तो कम से कम बर्बरी आपको 15,000 से नीचे अच्छी क्वालिटी की बर्बरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो बर्बरी से करेंगे तो बर्बरी बहुत महंगी बकरी होती है। और प्लस में एक सिस्टम आपको और याद रखना है कि बकरी पालन के अंदर आप वही बकरी आप पालें जो कि आपके एरिया में चलता हो और आप अच्छे से बेच सके, क्योंकि बकरी का प्रॉफिट वहीं से आएगा जब वो कटिंग के लिए ही जाएगा। लास्ट प्रोसेस तो कटिंग ही होता है, यानी कटिंग। अगर कोई फार्म वगैरह पालने से शौक ले जा रहा है तो अच्छा दाम दे देगा, मगर कटर तो आपको वही रेट देगा जो मार्केट का रेट है, मीट के हिसाब से मिलेगा रेट। तो इस चीज का आपको सर्वे करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 20 बकरी से भी स्टार्ट कर दिया बर्बरी का, तो कम से कम आपको 15,000 एक बकरी का पड़ जाएगा। तो लमसम आपको खर्चा उसमें बहुत सारा आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी नस्ल करते हैं। तो ये बकरी में लाने में कितना खर्चा होता है उसको हम छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं इसे खिलाने के खर्चे के ऊपर। खिलाना आपको क्या क्या पड़ेगा, स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, भूसा देंगे, दाना देंगे, हरा चारा देंगे, साइलेज अगर उसके जगह पर है तो साइलेज देंगे। ये सब तीन चार चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। तो मैं हरा चारा का, अगर मान लीजिए कि एक बकरी 5 रुपए का भी खाता है आपका, दाना 4 रुपए का खा लेता है, भूसा 3 रुपए का खा लेता है, साइलेज अगर है तो 3 रुपए का खा लेता है, यानी कि 10 से 15 रुपए एक बकरी पर आपको डेली खर्च होने वाला है खिलाने में। 10 रुपए ही ज़्यादातर मानते हैं। तो 20 बकरियों का लेकर मैं 15 से लेता हूँ तो 300 आ जाता है डेली का, यानी 20 बकरी का खर्च। तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि महीने में कितना हो जाएगा, तो महीने में आपका 9,000 रुपये सिर्फ आपको खिलाने में खर्च होगा एक महीने का। एक साल का खर्च का बात करें, क्योंकि बाहर की अगर बकरियां लेकर आएंगे तो साल में एक ही बच्चा देगी, और ब्लैक बंगाल के साथ होता यह है कि साल में 2 बार बच्चा देती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो 9,000 रुपये अगर एक महीने का खर्च आ रहा है तो 12 महीने का आपको हो जाएगा 1,08,000 रुपये होता है, यानी कि आप उसको पकड़ लीजिए 1,25,000 रुपये तक आपको खर्चा एक बकरी यानी कि 20 बकरी को साल भर पालने में हो जाएगा। तो अगर आपके फार्म पर आती है तो बच्चे देगी एक साल के बाद ही, तो एक साल के बाद अगर बच्चे देते 2 साल तक आपको खिलाना पड़ेगा, यानी कि 2,50,000 रुपये आपको सिर्फ खिलाने में खर्च हो जाएगा। बाहर के बकरियों की बात कर रहा हूँ, ब्लैक बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टॉल फीडिंग की बात हो रही है। और एक साल के बाद 20 बकरियां आपके पास में है तो ज़्यादातर बाहर के बकरियां एक बच्चा देती है, तो मान लीजिएगा आपके पास 20 बच्चे आ गए, उसको एक साल तक पालेंगे खिलाएंगे, वो 2 साल में 2,50,000 का तो इसकी माँ खा लेंगी, और बाकी जो बचा एक साल के बाद, एक साल का बच्चा जब हो जाएगा तो उसको बेचेंगे। तो वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ कितना बेच पा रहे हैं। अगर आपने फार्म कर लिया, आपके फार्म को कोई लोग जानते नहीं हैं, तो भी बेचने में बहुत मुश्किल होती है। बेचना सबसे ज़्यादा, यानी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले। अगर मार्केटिंग नहीं है तो बेचने में और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल का चुनाव आप अपने हिसाब से करेंगे। एक मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि अगर एक साल के बाद 10,000 का भी आपने तैयार कर लिया तो 20 बच्चे से आपको 2,00,000 रुपये आएंगे, और आपने 2,50,000 रुपये पहले ही खर्च कर चुके हैं, यानी कि 1,00,000 रुपये शेड में लगा चुके हैं, यानी कि टोटल खर्चा मैं जोड़ता हूँ 2,50,000 रुपये आपको खिलाने में, 1,00,000 आप मान लीजिए कि बच्चे जो आपके होंगे उसको खिलाने में लग जाएंगे, शेड का 1,00,000 लग जाएगा, यानी कि 4,50,000, यानी 4,50,000 रुपये आपको सिर्फ टोटल ऊपर का खर्चा होगा। अगर आप लेबर रख के नहीं करते हैं तो अगर लेबर रख के करते हैं तो लमसम उसका भी 2,00,000 से 2,50,000 रुपये 10,000 के हिसाब से कोई नीचे लेबर मिलेगा नहीं। शहर में रहेंगे तो और महंगा ही पड़ेगा, देहात में थोड़ा सा नीचे मिल भी जाएगा, लेबर का तकलीफ भी होता है फार्म की दुनिया में, डेयरी फार्म हो गया, बकरी फार्म, लेबर ने मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी कि 2,50,000 रुपये आपका लेबर का चल गया, यानी कि टोटल मिला के 7,00,000 रुपये 2 साल में आपके खर्च होने वाले हैं, और बाकी 20 बच्चे से आपके पास में आएंगे सिर्फ 2,00,000 रुपये। तो आपका घाटा अपने आप समझ में आ रहा है कि 5,00,000 रुपये का नुकसान होगा स्टॉल फीडिंग में। अगर मैं एक बर्बरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि 15,000 का अगर आप एक बकरी लेकर आते हैं, उसको पालते हैं, खिलाते हैं स्टॉल फीडिंग पर, तो आपको पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। ये मैं 100% नुकसान नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके लिए, जैसा भाई ने पूछा था कि स्टॉल फीडिंग में प्रॉफिट कितना होगा, तो मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, बाहर की जो साल में जो एक बच्चा बकरियां देती हैं
उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कम बकरियों में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि बकरियों का लेवल आप बढ़ा दें, साल दो साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं सोचेंगे, उसके बाद यही होगा कि पहले आप लगाते रहें, बिजनेस से फायदा होगा, उसके हिसाब से आगे चल के फायदा हो सकता है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके लिए खास करके मैं स्टॉल फीडिंग, यानी जो स्टॉल फीडिंग से बकरी पालन कर रहे हैं, उसका मैं आपको एक वीडियो जरूर आपके लिए खास करके, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया है उसके लिए मैं खास करके स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो स्टॉल फीडिंग से पहले से कर रहा है उसका क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान होता है, उससे मैं अच्छे तरीके से ईमानदारी से पूछकर, सवाल कठिन सवाल पूछकर जवाब निकालने की कोशिश करूंगा, और वहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रियलिटी क्या है। ये मैंने जो बताया है इसको 100% रियल नहीं माने, ये 50-50 का चांस हो सकता है और मेरे हिसाब से नुकसान का चांस हो सकता है। लेकिन मैं जाऊंगा दूसरे के फार्म पे जो कि स्टॉल फीडिंग से करते होंगे, उनसे मैं बात करूंगा और ईमानदारी से पूछूंगा, क्योंकि अपने फार्म को कोई नुकसान में बताना नहीं चाहता है जल्दी, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूंगा पूरा का पूरा की ईमानदारी से आपको सही तरीके से समझा सकें, क्योंकि आप दूसरे का वीडियो देखकर या फिर जाके सिर्फ वाहवाही में रहकर आप फार्म नहीं खोल दें और नुकसान नहीं झेलें, तो आपको नुकसान से बचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि लोग गलत बातों में पड़ जाते हैं, गलत वीडियो में पड़ जाते हैं और वहां से कोई भी चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं और बिजनेस के नाम पे घाटा सह लेते हैं। तो आपका बचाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों, तो मैं जरूर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं उसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।